आई एम सो सॉरी, और ये मेरी जान है, सच में बता रही हूँ, ये मेरी जान है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय इडन में आप सबका स्वागत है। आज का जो व्लॉग है वो मैं कुछ जरूरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली ये व्लॉग मैं 3 दिन से शूट करने का सोच रही थी बट मैं नहीं कर पाई किसी पर्सनल रीजन के चक्कर में। तो बात ये है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बात ये हुई कि फ्राइडे, जैसे आज जब मैं शूट कर रही हूँ, आज है ट्यूसडे, तो फ्राइडे यानी कि 3-4 दिन पहले मेरे एक कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आई थिंक मैंने शायद वो ईयरबड से हम सफाई करते हैं तो उसे मैंने ज़्यादा तेज कर दी, तो वो मेरे कान में इतना तेज दर्द हो रहा था कि मुझसे कुछ खाना नहीं खाया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर पे जाना चाहिए। देन कोरोना के चक्कर में हम सोचते हैं कि यार डॉक्टर पे कम ही जाए तभी अच्छा है, मैं काम से मेडिसिन लेकर आई, उसे ठीक नहीं हुआ। देन हम लोगों ने प्लान किया कि चलो यार डॉक्टर पे जाते हैं, ENT पे। हम अपने नियर बाय ENT पे गए। ये मैं स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि इससे थोड़ी सी इंटरकनेक्ट है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, मेरा मफिन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैं मफिन की कोई बात बताने जा रही हूँ। बट नाउ गॉड ग्रेस, आप लोगों की ब्लेसेस है, वो अभी ठीक है बिल्कुल। बट उस दिन क्या हुआ था मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बाबर इधर उधर इसलिए देख रही हूँ, मैंने प्ले पेन हटा रखा है और ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, तो मुझे पूरा वॉच करना पड़ता है, क्योंकि ये पल में ही ऐसे हो जाते हैं कि अभी तो लिक कर रहे हैं, अगले पल ही एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो मुझे इनको उसी वक्त सेपरेट करना पड़ता है। इसलिए मेरी एक नज़र इन पे है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ बैठती हूँ तो इन लोगों को लगता है कि अब प्ले पेन हटेगा और हम दोनों आपस में खेलेंगे। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम यहाँ, क्योंकि मेरा PC यहाँ पे है, तो मैं अपनी एडिटिंग वगैरह यहीं बैठ के करती हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम प्ले पेन हटा कर रखती हूँ। एनीवेज मैं बात बताती हूँ उस दिन की। उस दिन क्या हुआ, हम लोग ENT डॉक्टर पे गए मेरे लिए। देन मफिन बाहर लिविंग रूम में खेल रहा था, चेरी अंदर सोया था, क्योंकि मफिन मैक्सिमम 4 बजे इवनिंग में बाहर आ जाता है। और तो मफिन बाहर ही खेल रहा था, बिल्कुल ठीक था। मतलब हम लोग शायद 5:30 के आसपास हम लोग यहाँ से गए डॉक्टर पे इवनिंग में, हमने अपॉइंटमेंट ली थी। हम लोग वापस आए हैं 6:25 या 6:30, यानी कि 6:30, यानी 1 घंटा हमें लगा आने और जाने में। हम 6:30 के आसपास जब वापस आए तो मैं इनका आते ही मैंने पैर धोए, जैसे आकर हम लोग कोरोना के चक्कर में सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, सब चीज़ें की। उसके बाद आते ही मैंने बोला कि सबसे पहले मैं इनको खाना दूंगी, देन क्योंकि टाइम हो चुका है मैं इनको खाना देती हूँ 6:40 या 7 बजे, मतलब 6:30 से 7 बजे के बीच में शाम को। और जैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो रैबिट्स होते हैं इनका दिमाग बहुत शार्प होता है और ये बहुत टाइम के बड़े पंचुअल होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रैबिट्स बहुत शार्प होते हैं तो इनका टाइम बड़ा फिक्स होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको फिक्स टाइम पे ही खाना दे सकूँ। उसके बाद क्या हुआ, 7:45 हो रहे थे और मैंने सोचा कि चलो मैं इनको सब्जी दे देती हूँ। मैं कटिंग चॉपिंग करने लगी सब्जी की, छोटी सी मैंने शिमला मिर्च ली, थोड़ा सा मैंने खीरा लिया, सबके छिलके विलके उतारना, बीज हटाना, मैं ये कर रही थी। और साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, तो यही सब्जी मेरे पास अवेलेबल थी। एक्चुअली सब्जियाँ आजकल बहुत कम आ रही हैं, तो हे खाते तो मुझे इतना टेंशन नहीं होती कि चल जो भी सब्जी थोड़ी सी है इनको टेस्ट के लिए दे दूँ। तो मैं वो 3 हिस्सों में ऐसे एक प्लेट में लगाती हूँ, 3 हिस्से में बांटती हूँ, देन इनको बुलाती हूँ। देन उस वक्त मफिन को मैं आवाज़ देती हूँ, मफिन सीधा अंदर आता है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू ना शूट करियो और मैं प्लेट लेके अंदर जाऊंगी, देन आई कॉल मफिन और मफिन आएगा तो शूट कर लियो, क्योंकि इनकी जो भी अच्छी मूवमेंट्स होती है ना मैं वो शूट नहीं कर पाती हूँ मैक्सिमम टाइम। जैसे बिंकी जब बनते हैं मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, या जो भी ऐसी चीज़ होती है मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो मैक्सिमम होता है कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि या तो मेरे पास फ़ोन नहीं होता उस वक्त, या मैं कहीं और होती हूँ, या फ़ोन जब लेकर आती हूँ तब तक ये रुक जाते हैं, मतलब। और मैं सारी वीडियोस अपनी फ़ोन से बनाती हूँ, मेरे पास अभी फ़ोन ही है, मतलब कैमरा वैमरा नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तू शूट करियो, मैं इसकी प्लेट लेकर इसके रूम में जाऊंगी और देखना ये लिविंग रूम से मेरी आवाज़ सुन के भागेगा मेरे पीछे, क्योंकि ये टाइम का बहुत पंचुअल है, इसको पता लग जाएगा कि अच्छा खाने का टाइम है तो अभी आना है, अभी मैं इसी को प्यार कर रही हूँ नीचे। तो उसके बाद उसने जैसे ही मेरा फ़ोन ऑन किया वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने बुलाया मफिन आओ, मफिन आओ, मफिन आओ, मफिन आया नहीं अंदर। मैंने बहुत देर तक बुलाया, वो लिविंग रूम में बैठा है, मुझे दिख रहा है लेटा, जिस पोजिशन में लेटे होते हैं। मैंने बहुत बार बुलाया तो वो ना हंस पड़ी, उसने बोला कि यार देखो अब तो बेइज्जती कर दी, इसने आया नहीं, और जब भी तुम शूटिंग करती हो ना तब तो ये बेइज्जती करते हैं, ऐसे मतलब हंस के हम लोगों ने बात करी।
तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैंने कहा ये मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि मफिन को, अगर मैं लो बोलूँ ना, लो वर्ड, उन्हें उसको इतना पता है कि मैं उसको ऐसे बुलाती हूँ मफिन लो, तो वो 101% आता है। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, फोन फेंका, सबसे पहले जाके मेरे को लगा कि मैंने मफिन को देखो हुआ क्या। एंड फिर मैंने मैं गई तो मैंने देखा मफिन अपने शूशू के ऊपर लेटा हुआ था। और जब ये लोग इतनी सफाई पसंद है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने शूशू करके उसके ऊपर लेट जाए। मैंने इसको उठाया, मैंने इसके मुंह के आगे थोड़ा सा धनिया, मेरे हाथ में था, मैंने धनिया दिया क्योंकि धनिया से पसंद है, तो इसने धनिया नहीं खाया। मैं, बिलीव मी, मैं इतना ज्यादा डर गई, मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं इसको गोद में उठाकर अंदर, इसकी जो एरिया, ये वाला एरिया है, मैं यहाँ लेकर फटाफट भागी आई। चैरी सो रहा था उस वक्त, चीकू उसी रूम में था। मैं इसको लेके फटाफट आई और मैं अपनी गोद में लेकर ना इसको अच्छे से इसके पेट पे मसाज करने लग गई। देन हमारे जो मतलब जिन पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, शायद यहाँ के डॉक्टर से भी ज़्यादा मैं और बिलीव करती हूँ, कुछ वेट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है इंडिया में, बट वो रहते हैं US, तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया कि ऐसे ऐसे हुआ और ना ये खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि आपको मैं अभी भी बता दूं कि अगर खरगोश 7 से 8 घंटे हो जाए और कुछ ना खाए, पूप ना करे, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि 7-8 घंटे नहीं हुए थे, मैं सिर्फ 1 घंटा बाहर गई थी और उससे पहले 1 घंटा शायद वो सोया होगा, मतलब 2 घंटे हुए होंगे हार्डली। तो मैं इसके पेट पे ऐसे से मसाज किया, क्योंकि जो इनको एक कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है गैस्ट्रिक की, गैस बन जाती है। मतलब मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई, मुझे लगा कि यार मैं तो इनको कुछ भी अनहेल्दी नहीं देती, मैंने इतना सा तिनका भी मैं नहीं देती, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। हम खाना खाते हैं डाइनिंग पे, जैसे ओपन किचन होती है आजकल अपार्टमेंट्स में, मेरी ओपन किचन है, अगर हमारा इतना सा खाना भी नीचे गिरता है ना, तो मैं वो भी उठा देती हूँ कि यार ये खा ना ले, मतलब मैं इतना ज्यादा डरती हूँ, पता नहीं मैं ऐसी ही हूँ, शुरू से ऐसी हूँ मैं। तो अभी मेरे ट्राइपॉड के साथ, चलो नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं बहुत ज्यादा डर गई, मैं मसाज करती रही और उसके मैसेज का इंतजार करने लगी। अब हमारे टाइमिंग्स ऑड है, यहाँ पे दिन है, वहां रात है, वहां रात है तो यहाँ मतलब तो टाइमिंग हमारे ऑपोजिट है। देन उसके बाद मुझे, टच वुड, भगवान की कृपा है, मुझे मेडिसिन पता थी, बट फिर भी होता है ना कि आप अपनों के ऊपर वो मेडिसिन आजमाते हुए ना थोड़ा सा आप सोचते हो कि एक बार और मैं कंफर्म करूं, वो वाली बात थी। बट उस वक्त मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने कहा यार मेरा कान और मेरी दवाई गई भाड़ में, मतलब फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसको दूं। 3 मेडिसिन थी, लकीली मेरे पास इमरजेंसी किट है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैंने इस टाइप से एक इमरजेंसी बॉक्स बना रखा है इनका, तो लकीली मेरे पास ये है, इसमें सारी इमरजेंसी मेडिसिन मैं रखती हूँ इनकी। मुझे मेडिसिन भी पता थी, तो मैंने फटाफट फटाफट करके वो तीनों मेडिसिन, 3 मेडिसिन थी, मैंने तीनों मेडिसिन, मेरे को डोज भी पता थे क्योंकि मैं इनका वेट करती रहती हूँ, तो डोज जो होती है वो इनके वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से दिया जाता है। तो मैंने फटाफट फटाफट वो डोज दिया और मैं वहीं बैठी रही, मतलब मैंने कुछ नहीं किया उस दिन। शाम को चाय बनानी थी, घर का काम था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस मफिन के पास बैठ के उसका पेट को ऐसे हल्के हाथों से रब सा करती गई। 1 घंटे के बाद वो थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, क्योंकि वो गोद में आना पसंद नहीं करता और वो इतने प्यार से मेरी गोद में बैठा हुआ था, तो मैं समझ गई थी कि वो थोड़ा सा होश टाइप में नहीं है, या उसकी तबीयत खराब है, या वो पेन में है। देन थोड़ी देर बाद, आई थिंक 1 घंटे के बाद वो उठा, और मैंने दिन प्ले पैड हटा रखा था क्योंकि मुझे लगा कि चैरी शायद उसके पास आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। फिर जाकर वो, जहाँ पे कूलर मैंने आपको दिखाया, वो कूलर के पास जाके बैठ गया। कूलर के पास बैठा, थोड़ी देर मैं उसके सर पे पैटिंग करती रही, उसको पसंद नहीं, उसने मुंह हटा लिया। फिर वो थोड़ी देर बाद, मतलब 1.5 घंटा लगा उसको, क्योंकि दवाई का असर होते इतना टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा लगा उसको। देन वो 1.5 घंटे के बाद चला नॉर्मली, और उसने अपना जो फूड मैंने उसको दे रखा था उसी वक्त का, वो उसने खाया, मेरी जान में जान आई। मतलब मुझे यही लगा कि ऐसे पल सच में बहुत हॉरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा हॉरेबल होते हैं, और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगी शायद, बहुत हॉरेबल होते हैं, बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। मैं थोड़ी सेंटी हो जाती हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा चेरी के साथ भी हो गया था एक्चुअली, और
मैं बस यही सोच रही थी कि हमें ना इतना प्यार भी नहीं किसी से करना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत हर्ट होती है कुछ चीज़ें। फिर मेरे हस्बैंड मुझे ये सपोर्ट करते हैं कि यार अगर तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना इमोशनल हो जाओगी ना, तो तुम फ्यूचर में एनजीओ कैसे चलाओगी। क्योंकि मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे को ना रैबिट्स के लिए एनजीओ चलाना है, देख लेना कभी ना कभी बाय गॉड ग्रेस अगर इतना हुआ तो मैं जरूर रैबिट्स के लिए कोई एनजीओ चलाऊंगी। गाइस मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भगवान ना करे सिचुएशन आती है, तो आपको भी कुछ इमरजेंसी मेडिसिन वो साथ में हमेशा रखनी है। क्या इमरजेंसी मेडिसिन है मैं इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी शूट करने वाली हूँ, तो बस ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और आई एम सॉरी ये पीछे का बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है, एक्चुअली मैंने अपना एक रूम जो आपको मैंने मेकओवर दिखाया था इसमें बेड था, मैंने उस बेड को डिसेंबल किया हुआ है, एक्चुअली यूज़ नहीं होता था, तो मैंने इनका रूम बनाया हुआ है तो बेड को हटा रखा है मैंने यहाँ से, तो उसका ये बस एक बोर्ड है यहाँ पे साइड में। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि फ्रेंड्स अपने फरी बेबीज का ध्यान रखें, ये लिविंग है बिल्कुल हमारी तरह और बहुत प्यारे हैं, प्यारे हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरी जान है, सच में बता रही हूँ, ये मेरी जान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।